dynamic success the junior college enter to win masters in mpc and bypc अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी अहम खबर है क्योंकि ऐसे न्यूज़ बहुत कम सुनने में आते हैं, बहुत कम देखने में आते हैं, क्योंकि रच्चाकोंडा की पुलिस और साइबर क्राइम ने मिलकर बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है। दिल्ली जाकर एक नाइजेरिया से ताल्लुक रखने वाले शातूर इंसान को गिरफ्तार कर हैदराबाद लेकर आए, क्योंकि नाइजेरियन जो है ऑनलाइन फ्रॉड किया करता था। ऑनलाइन किस तरह से लॉ एफर्स करवाना और ऑनलाइन किस तरह से मैट्रीमोनियल के पोस्ट डालना, इसी तरह से जो है आवाम को बेवकूफ बनाकर आवाम से पैसे लूटा किया करता था। तो बहरहाल इस शख्स के पास से जो है 65 डेबिट कार्ड और 19 स्वाइप मशीन्स, यानी एटीएम कार्ड हम जो यूज़ करते हैं स्वाइप मशीन में, वैसे 19 मशीन और 65 डेबिट कार्ड इसके पास से बरामद किए हैं और मुख्तलिफ बैंक के चेकबुक्स इसके पास से निकले हैं। लगभग 13 चेकबुक जो है पुलिस ने इसके पास से बरामद किए हैं और इस शख्स को अरेस्ट कर हैदराबाद लेकर आए हैं। तो बहरहाल रच्चाकोंडा की पुलिस और साइबर क्राइम ने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है। तो आइए रच्चाकोंडा के कमिश्नर महेश भागवत क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर वेंकटेश और उनके टीम ने एसीपी साइबर क्राइम हरिनाथ साहब के नेतृत्व में दिल्ली जाके दो रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें पहला जो रैकेट है वो नाइजेरियन कनेक्शन है। इसमें जॉब फ्रॉड, गिफ्ट फ्रॉड और मैट्रिमोनियल फ्रॉड, ये तीन फ्रॉड का कनेक्टेड क्राइम नंबर 44, क्राइम नंबर 140 और क्राइम नंबर 206 से साइबर क्राइम के तीन केसेस इसमें डिटेक्ट हुए। जिसको अरेस्ट किया है वो नाइजेरिया का रहने वाला फिडेलिस ओबिना 27 ईयर्स और उसका साथी अनिल कुमार पांडे, ओरिजिनल मुजफ्फरपुर बिहार लेकिन दिल्ली में है अभी। दोनों को अरेस्ट करके इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 13 चेकबुक, 65 डेबिट एटीएम कार्ड, 19 स्वाइपिंग मशीन, नाइजीरियन पासपोर्ट की कॉपी और बैंक में इनके अकाउंट में 6,27,129 रुपये फ्रीज किए हमने। इसके साथ साथ इनके पास से 30,000 नगद भी हमने बरामद किया है। इसमें जो नाइजीरिया का जो शख्स है ये एजी मनी के लिए सोशल मीडिया द्वारा लोगों को फ्रेंड्स बनाता है और बाद में फिर आपको जॉब देता हूँ या फिर मैट्रिमोनियल फ्रॉड या गिफ्ट फ्रॉड। इसमें खासकर गिफ्ट फ्रॉड में आपको फॉरेन से गिफ्ट आया उसका इंडियन रुपीज़ में आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, एंटी टेररिज्म टैक्स देना पड़ेगा वगैरह, मैं कस्टम से बोल रहा हूँ करके लोग ड्रामा करके लोगों से ऑनलाइन पैसा जो है ये लोग हड़प करते हैं। दूसरा जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड है उसमें भी ये फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे कोई दूसरे आदमी का प्रोफाइल लगा के वो जो लेडीज़ है उनको अट्रैक्ट करते हैं और बाद में मैं अभी इंडिया आ रहा हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आया हूँ, मुझे कस्टम वालों ने पकड़ लिया, मेरे पास में जो सामान है उसको इंडियन रुपी में ड्यूटी देना है बोल के बैंक अकाउंट का नंबर देके उसके ज़रिए फिर ये लोगों को चीट करते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया है। तो ये लोगों को अभी हमने आज अरेस्ट करके उनके पास से तकरीबन बैंक में अभी 6,27,129 रुपीज़ फ्रीज किए हैं, नगद भी 30,000 मिला है। तीन केसेस में हमने इनको अभी अरेस्ट किया है। दूसरी जो केस है रहने वाला एक तारा बहादुर करके दिल्ली में पांडव नगर में रहता है, ये 2018 में ट्रैवल एजेंट के तौर पे दिल्ली में आया और बाद में उसने अपने फ्रेंड के जरिए ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेके ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करना शुरू कर दिया। 100 रुपये दिए तो मैं 200 रुपये आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्रिप्टो करेंसी द्वारा देता हूँ करके कह के ये लोगों को
चीट करके फरार हो जाता है। इसके पास से हमें 3,121 रुपया कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में मिले। उसके पास आधार पैन कार्ड का कॉपी हमने अभी हमारे पास में लिया है। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 419/2021 एक केस अभी इसके ऊपर नमूद है। लोगों को हमारी यही गुजारिश है कि जो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट है, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो रिजर्व बैंक ने जिसको मान्यता दी है, केवल ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। या ऑनलाइन जो फाइनेंस के आपको प्रॉमिस देते हैं कि आपको पैसा डबल करवा देंगे वगैरह, इसमें शुरू में आपको पैसा मिलेगा थोड़ा, बाद में फिर जब बड़ी अमाउंट आप देंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। तो ऐसे जो ऑनलाइन इसमें काफ़ी रिस्क है, तो केयरफुल रहिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।